गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अरुण यादव बीएल मेमोरियल स्कूल से। आज हम लोग क्लास फिफ्थ का मैथ पढ़ेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट ए, हम पिछले क्वेश्चन में एट तक पढ़ लिए थे, पिछले क्लास में एट क्वेश्चन नंबर पढ़े थे, आज नाइन्थ पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आप लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़े होंगे असेंडिंग ऑर्डर में किसी नंबर को लिखना। असेंडिंग में सकता है बढ़ते क्रम में, यानी आगे की तरफ बढ़ते क्रम में। इस क्रम में कैसे संख्या को लिखते हैं? बढ़ते क्रम सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, फिर बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। भाई हम क्वेश्चन नंबर 9A का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पांच नंबर लिखे गए हैं, पांच नंबर को अलग अलग देखते हैं। पहला नंबर लिखा है 7,35,675। दूसरा नंबर हमारा 52,420। तीसरा जो नंबर है 1,86,538। चौथा नंबर है 9,75,005। और लास्ट नंबर दिया है 6,38,720। तो सबसे पहले हम क्या करके इस क्रम में देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है। इन सारे संख्या में सबसे छोटी संख्या हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है 52,420 है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 52,420। ये तुम्हारा हो गया। अब इसके छोड़ के अब देखते हैं इसके बाद इसमें से कौन छोटी संख्या है जो इससे बड़ी है। तो यहाँ देख रहे हैं 7 लाख है, यहाँ देख रहे हैं 1 लाख, यहाँ 9 लाख, यहाँ पे 6 लाख। और लास्ट वाले नंबर में देखिए तो 1 लाख वाली संख्या क्या है? छोटी है। इसके बाद कौन संख्या आएगी? 1,86,538। अब आइए इसके बाद देखते हैं कौन है संख्या। इसके बाद देखते हैं हम कि 6 लाख है, तो उसको भी लिखते हैं 6,38,720। इसके बाद देखते हैं कौन नंबर आता है। इसके बाद 6 के बाद हो गया तुम्हारा 7 लाख आता है, तो लिख लीजिए 7 लाख को 7,35,675। कमा लगा लेंगे उचित जगह पे। जो बचता है लास्ट में हमारा 9,75,005। ये हमारा हो गया क्रम। जब क्रम में लिखने के बाद सब इसके बीच में एक साइन लगाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लेस देन का साइन लगाते हैं। यानी हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9 के ए का आंसर। इस ऑर्डर में को लिखना इस तरह से। अगला क्वेश्चन भी आप लोग के लिए होमवर्क है। अब आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी अब जो आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर पिछले क्लास में पढ़ लिए होंगे, फोर्थ में, थर्ड में पढ़े होंगे। इस क्रम में हम संख्या को क्या करते हैं? घटते क्रम में लिखते हैं। घटते क्रम में मतलब जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद से हम उसको उसके बाद जो संख्या होती है उसको लिखते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। हम यहाँ देख रहे हैं क्या है 73,250। दूसरी संख्या जो है हमारा 50,386 है। तीसरी संख्या 4,38,350 है। जो चौथी संख्या है वो 6,35,729 है। और अंतिम संख्या जो है 4,59,327 है। अब इस संख्या को हमको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमें देखते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो पहले तो ये देखिए 10,000 में है दोनों नंबर, ये आधी लॉक में आ रही है। सबसे पहले अब देखते हैं इसमें सबसे बड़ी क्या है। यहाँ देखिए 4 लाख लिखा है, यहाँ 6 लाख, यहाँ 4 लाख। ये सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी 6,35,729। इसको सबसे पहले लिखेंगे तो हम 6,35,729। ये तो हो गया। अब इसके बाद देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन आती है। देख रहे हैं यहाँ 4 लाख भी है और यहाँ भी 4 लाख है। ये तो नंबर सेम हो गया। तब आते हैं इसके बगल वाली संख्या देखते हैं क्या है। यहाँ देख रहे हैं 38 है और यहाँ पे 59 है। हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई?
4,59,000। अब इसको लिखेंगे तब 4,59,327। अब इसके बाद आ जाएगा हमारा 4,38,750। अब आते हैं इसके बाद तो देखें यहाँ 73,000 है, यहाँ 56,000 है। ये सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारे इसमें 73,250। उसके बाद जो बच गया हमारा 56,30,386। अब इसके बीच में साइन लगाना होगा। हम देख रहे हैं पहले वाली संख्या क्या है, ग्रेटर में है, तो हमको यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, ग्रेटर देन। ये वाली साइन क्या करेंगे हम यहाँ लगा लेंगे। ऐसे ही आप लोग बी वाला क्वेश्चन क्या करेंगे घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे। तब तक अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।